हमारे साथ शेख आशिक है जो गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से इंतखाबात लड़ रहे हैं और अवामी इतिहाद पार्टी की ओर से जो इंजीनियर रशीद की सरबराही वाली पार्टी है उनके सीनियर लीडर है ये, लेकिन इंडिपेंडेंट इन्होंने नॉमिनेशन दर्ज किया है क्योंकि अभी तक पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो इनसे हम बात करेंगे। आशिक साहब आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। आशिक साहब पहली बार जी पॉलिटिक्स में आ गए। जी जी जी, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बराबर। कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट पीपल आस्क मी कि ये चैलेंजिंग है, तो मुझे बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं लग रहा है क्योंकि लोगों को और अपने इलाके की खिदमत करना तो मैं अपना एक ये तो मैं शुक्र अल्लाह का करता हूँ कि मौका मिला और ऐसे पार्टी और ऐसे लीडर के साथ उठने में फ़ख्र फील कर रहा हूँ। तो आपने तय कर लिया कि इलेक्शन लड़ना है, लोगों का लोगों की खिदमत करना है। जी, तो इंजीनियर रशीद ही क्यों? देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो हमारी रिवायती यहाँ पे इलाका ही आप कहें या J&K की रजिस्टर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने जब 370 हटा 35 से हटाया गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जिसका नाम इन्होंने PAGD रखा। और हमारी नज़रें आम शहरी थे, हम तिजारत करते थे या ट्रेड एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट करते थे, तो हमारी नज़रें इन पे टिकी थी कि इन्होंने कहा वकार इज़्ज़त तशख़्ख़ुस की बात की उन्होंने, तो कहा हम पूरे कश्मीर को एहसास करेंगे, इनके लिए सब कुछ करेंगे, अब हम यूनाइटेडली काम करेंगे। तो हमारी एक उम्मीद जागी कि नहीं जी ये हमारे लिए काम करेंगे। बट जैसे ही इलेक्शन स्टार्ट होना और मतलब करीब आने लगे लोकसभा, तो पता नहीं दे फेल अपार्ट और उसको दफा नहीं कर दिया। तो हर एक शहरी में डिबेट्स में हम देख रहे थे तो एक माहौल, एक क्राइसिस वाला माहौल पैदा हो गया। और जब क्राइसिस होते हैं वो कुछ भी हो, आप क्राइसिस होते हैं, सैलाब आता है या किसी घर में आग लगती है, तो आप फौरन उठते हैं, यू डोंट सी योर क्वालिफिकेशन कि आप ट्रेंड हो, आप बुझाने की कोशिश करते हो। यही यकीन मान लीजिए इन जज्बातों के साथ हम आगे हैं पॉलिटिकल में कि ये पॉलिटिक्स हम दो दिन और तीन दिन या इलेक्शन की नहीं, हम पॉलिटिक्स आगे हैं क्योंकि इसमें हमने लगा कि यहाँ एक वैक्यूम है। आप गांधरबल की बात करें जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ के कैंडिडेट अगर आ रहे हैं नए नए तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि नहीं यार, मगर कैंडिडेट ऐसे भी हैं मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जिनके वोट भी यहाँ दर्ज नहीं है, ना तो NC के ना PDP, उनका वोट यहाँ खुद का नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। आशीष साहब, आपका मुकाबला जो होने जा रहा है एक अहम कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है गांधी जी जी जी, तो किंग मेकर भी कहा जाता था जी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है ये जी। खुद भी पता होगा कि शेरी कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से जो वो इक्तदार में आए थे, यहाँ से इलेक्शन जीत के गए थे, इनके फजल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, फिर उनके फजल उमर अब्दुल्ला जी। तो इस बार आपका मुकाबला उमर अब्दुल्ला के साथ है जो साबिक वजीर आला रहे, इसको कैसे देखते हैं आप? यकीन माने उमर साहब हो या बाकी जितने भी हैं, मुझे कंटेस्ट तो मुझे इवन लगता है, और मुझे ऐसा नहीं है कि बिलखसूस मैं एक ही लीडर को सामने रखूं, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम सियासत में दिया है। और गांधरबल का जो फीडबैक और जो मैं पिछले 20 दिनों से लोगों के साथ घर घर और इंट्रैक्शन हर इलाके में की है, लोग ना खुश है, खुश नहीं है, ना तो उनको जो वादे किए गए हैं ना वो पूरे किए गए हैं। और मेरे ख्याल से ये नाकारगर्दगी जो है ये हमारी इंशाल्लाह जीत में सामने आ जाएगी। आशिक साहब, आपका एक और चैलेंजिंग जॉब है ये, क्योंकि जिस पार्टी के साथ आपकी वाबस्तगी है जी, उसकी सरबराही इंजीनियर रशीद कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आए दिन आप खबरों में भी सुनते होंगे कि जो अपोजिशन पार्टीज है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी की जो पार्टीज है, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने एक टैग दिया है कि इंजीनियर रशीद जो है ही इज एजेंट ऑफ BJP। जी जी जी, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है? यकीन मान लीजिए हम अपने जॉब में इतना फोकस्ड हैं, इन इल्ज़ाम को तो हम आउटराइटली खारिज करते हैं। और डे वन से जब वो तिहाड़ जेल से बाहर निकले और पहले सीधा उन्होंने निशाना कहाँ किया, वो सारे कश्मीर को पता है। उन्होंने कहा मैंने 5.5 साल सफ़र किया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे नौजवान ये ऐसा सफ़र करें, और मैं ऐसे कोई सेंटर पार्टी के साथ
वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, मैं उनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, ना मुझे कोई लालच है कि मैं कोई मिनिस्टर बनूं, चीफ मिनिस्टर बनूं। अल्लाह ने उनको नवाजा है, वो मेंबर पार्लियामेंट है। उन्होंने साफ कहा कि जब मेरे एमएलएज होंगे हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हम मतलब दिल्ली में जाके अपना प्रोटेस्ट करेंगे और हमारे हुकूकों की आवाज़ बुलंद करेंगे। ये बात पॉलिटिकल हेड्स को समझ आती है या नहीं, मगर एक कश्मीरी को जो एक जहन रखता है, जिसको शऊर दिया है अल्लाह ताला ने, वो समझता है ये बातें। तो आशिक साहब, मेरे को लगता है कि आप शायद इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। जो अभी जो ये टैग लगा हुआ है, जो रीजनल पार्टी जहाँ की कहती है रशीद बीजेपी के एजेंट है, ठीक है, तो उसके बाद जो इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है AAP, उन्होंने अलायंस किया जमाती इस्लामी के जी। अब जब जमाती इस्लामी की बात है तो यही रीजनल पार्टीज वेलकम करती है कि जमात डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ गया। तो अब यहाँ पे फ़र्क ये दिखता है कि अगर इंजीनियर रशीद एजेंट हैं, उनके खिलाफ ये बोल रहे हैं, लेकिन जमात को वेलकम क्यों करते हैं? अब देखिए, या तो मैं क्या बताऊँ, ये सवाल ही जवाब है। इतना कन्फ्यूज है ये, उनको समझ नहीं आता हमें कहाँ पे क्या बोलना है। इंजीनियर साहब के साथ मैं 10-15 दिन, जो भी पार्टी सीनियर्स हैं जिनके साथ भी, जब वो खुले तो मैं खुद गया था उनको तिहार में लाने के लिए, और तिहार से लेके हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया गए और फिर शाम को डिनर गए। उनने कहा एक महीना पहले, यार मैं तो यहाँ 10 तारीख को गया था, और इतना झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और मुझे शर्म आ रही है कि क्यों बोले जा रहे हैं। बिकॉज आप मेरा सवाल समझ नहीं नहीं मैं समझ गया। अगर देखिए देखिए मेरी बात है तो फिर तो जो अलायंस करेगा वो भी एजेंट। मेरी बात सुन लीजिए, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। जमात इस्लामी के साथ, हर आवाज़ के साथ इंजीनियर जुट जाएगा जो हक की बात करता होगा। आप देखिए, नज़रिया अपना, पॉलिटिकल नज़रिया अपना होता है, मगर जमात इस्लामिया के अपना एक नज़रिया है। और मेरे ख्याल से रशीद साहब ने हमेशा एट टाइम्स उन्होंने किसी चीज़ को लेके नज़रिया को माना नहीं होगा, मगर आज हम सब एक साथ चाहते हैं कि कश्मीर की यार बात करें, कश्मीरियों की बात करें, जो सफरिंग्स हैं उनकी बात करें। तो उनको एक चीज़ में केजरीवाल को वेलकम करते हैं कि उनकी बेल आउट हो गए, हमारा सन ऑफ द सॉइल, हमारा भाई रशीद साहब खुले, तो उनके लिए तो मुंह से भी अल्फाज नहीं निकलते हैं, यार एटलीस्ट वेलकम करो, इतना जिगरा रखो आप। ये अफसोस की बात है, नहीं कर रहे हैं। और दे शुड हैव वेलकम्ड इट। और आज के डेट में पॉलिटिक्स अपार्ट, ये तो 5 दिन के बाद इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, एटलीस्ट ही वॉज देयर कुलीग इन लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 11 ईयर्स, और तब भी उन्होंने वेलकम नहीं किया। देखिए आप, पूरा तारीख इसकी गवाह है। बीजेपी के साथ अलायंस किन पार्टियों ने किया है? NC ने की है, PDP ने की है, कांग्रेस के साथ भी उन्होंने की है, दोनों पार्टीज ने की है। और हमें इसके ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। वी आर वेटिंग ईगरली कि अल्लाह हमें ज़िंदा रखे 8 अक्टूबर के रिज़ल्ट के बाद, फिर देखिएगा उछल कूद कहाँ से स्टार्ट। कश्मीरी में कहूँगा एक अल्फाज, रशीद साहब अस्तम विजती बिहित, ये थे कि प्यार आए इम क्या करें। हमें कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, हम बैठे हैं, हम चाहते हैं कि प्रॉपर मैंडेट रशीद साहब की इस पार्टी को मिले ताकि हम लोगों की खिदमत करें। और ये जो इन्होंने गवाए हैं चीज़ें, इरोड किया गया वक्तन फवक्तन, तब चुप करके बैठे, PSA का नाम नहीं ये ठहरते थे इन 5 सालों में बोलने के लिए। जब वो बाहर आ गए तो उन्होंने पहले अल्फाजों में कहा कि हम नौजवान के लिए बात करेंगे, उन सफरिंग्स की बात करेंगे, उस पेन की बात करेंगे। तो इनका वो मंशूर कहाँ चला गया? अब कैसे याद आ गया इलेक्शन के टाइम पे? अच्छा, ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी अभी दावा कर रहे हैं कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जी यहाँ पे चेंजेस आ गई है जी। तो आप खुद कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ रहे जी, हैं। जी जी, तो इकोनॉमिकली कितना चेंज लगता है आपको यहाँ पे आ गया आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370? देखिए, वो उनका अपना एक पॉलिटिकल थॉट है। हम चाहते हैं बीइंग ए कश्मीरी, हर एक की आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारे पास, मेरे ख्याल से वो कोई ख़ास एक कश्मीरी होगा जो नहीं चाहेगा कि उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहे, और हमारे बच्चों का रोज़गार बरकरार रहे, और हमारे मुस्तकबिल, हमारी जो ज़मीन है उस पर हमारा होल्ड रहे। तो मेरे ख्याल से वो कश्मीरी ही नहीं होगा जो इन चीज़ों पर नहीं रहेगा। तो जहाँ तक तरक्की की बात है, देखिए अगर हम कंपेयर करेंगे अपने J&K को रेस्ट ऑफ द इंडिया से,
इंडेक्स में आप चेक करिए, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, नीति आयोग का इंडेक्स आ जाता है, आज पढ़े लिखे लोग हैं, यू सी वेयर वी फॉल, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इन बातों का वहाँ से आपको जवाब मिलेगा। मैं जवाब नहीं दूंगा, हमारा डेटा देगा जो हमारा पूरा प्लानिंग ऑफ इंडिया देखता है। तो हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो तरक्की की बात आप करते हैं, हम तो चाहते हैं कि अगर हम ने कुछ देखा है, हमारी फ्यूचर जनरेशन ऐसे दिन ना देखे। तो आर्टिकल 370 एबोलिगेट होने से कोई फर्क पड़ा है आपको लगता है? मुझे लग रहा है कि 100% अभी अगर आप देखेंगे, लोगों का जो मेन मुद्दा और मकसद है, वो चाहते हैं कि हमें ये चीज़ें जो हमसे गवाई गई है, ली गई है छीन के, वो वापस दे दे हमें। अब तरक्की की बात देखिए, तरक्की डेवलपमेंट फर्स्ट व्हाट वी नीड इज पीस ऑफ माइंड। तो उनका कहना है कि यहाँ पे जो हालात थे, जो वायलेंस थी यहाँ पे, वो कम हो गई है जी, और डेवलपमेंट भी देखिए कम से कम ये दो चीजें आप पार्टी के लीडर ने ये क्लियर कट कहा है कि वी विल पुट आवर ऑल एफर्ट्स फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ एवरीथिंग, फॉर इवन 370 35A स्टेटहुड, और हमारे पास जो भी ये अमेंडमेंट्स लाई गई है उन सब चीज़ों के लिए हम डे वन से काम स्टार्ट करेंगे। स्टेटहुड का तो इन्होंने कह दिया कि कमिटमेंट भी, परसों यहाँ पे आए थे प्राइम मिनिस्टर, ने कहा कि ये कमिटमेंट है कि वी विल रेस्टोर द स्टेटहुड, बहुत अच्छा है। वो तो एजेंडा खत्म हो गया जो यहाँ के रीजनल पार्टीज है, वो हम वेलकम करते हैं। बाकी जो 370 देखिए नामुमकिन है, उन्होंने छीना है तो वो छीनने वाले हैं, मगर हम तो ले सकते हैं वापस। देखिए नामुमकिन वो 100 साल वाली बात हम नहीं करेंगे, हमारा है कि जब तक हम जिंदा हैं, पूरी टीम जो हमारी है, हर एक पल के लिए हम इन चीज़ों के लिए लड़ेंगे। वैसे नहीं लड़ेंगे कि जैसे भाई कोविड आ गया, पहले कोविड के साथ लड़ेंगे और ये चीज़ साइड में रखेंगे। हमने देखा वक्तन फवक्तन, हमें मतलब बड़ा दुख होता है कि जो हमारे लीडर हैं इलेक्शन के टाइम पर ये सारी चीज़ें याद आती हैं, उसके बगैर तो ये सारे भूल जाते हैं। तो आप अभी मुतमईन है कि जो पोलिंग का जो डेट है नज़दीक आ रहा है जी, यहाँ पे आप मुतमईन है कि आप गांधरबल से? मैं बड़ा इंशाल्लाह मैं बड़ा मुतमईन हूँ और खुश हूँ कि मुझे इंजीनियर साहब की पार्टी ने चुना और यहाँ पे नुमाइंदगी का मौका दिया है, और मुझे यकीन है गांधरबल की आवाम इस बार चेंज करेगी, और ऐसे जो से एक नई पार्टी उभर के आ गई है इसको मौका देगी। और मैं उनका नेबरहुड में हूँ, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर नहीं हूँ, और इस बार आपको मैं बता दूँ इस इलेक्शन सिंबल पे भी सियासत काफ़ी हुई, आधे लोगों को लगा प्रेशर कुकर और गैस सिलेंडर, क्योंकि हमारा कॉमन सिंबल भी नहीं है, रजिस्टर्ड भी पार्टी नहीं है, तो मुझे यहाँ से जंजीर मिली है जिसको कश्मीरी में हांकल कहते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि इस जंजीर को यहाँ से कामयाब करेंगे। शुक्रिया आपका आशिक साहब। आशिक साहब ने कहा कि ये मुतमईन है, लोग बदलाव चाहते हैं, और इनको लगता है कि इनकी पार्टी को सपोर्ट होगा और ये गांधरबल से चुनाव भी जीतेंगे, लेकिन अब आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि आशिक साहब अपना लोहा कैसे मनवाते हैं। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 JKLH, गांधरबल।